केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रगान के अपमान के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये घटना केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई। इससे पहले राष्ट्रगान के मामले दर्ज भी हो चुके हैं। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी सिनेमाघरों को फिल्म शुरू करने से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान के दौरान थिएटर में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा। दिव्यांग और खड़े होने में अक्षम व्यक्ति बैठे रह सकते हैं। राष्ट्रगान के दौरान कोई आए जाए नहीं, इसीलिए थिएटर के दरवाजे बंद रहेंगे। इस दौरान पर्दे पर राष्ट्रध्वज भी दिखाया जाएगा। सिनेमाघरों को राष्ट्रगान का 52 सेकंड का फुल वर्जन ही बजाना होगा। केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करना 6 लोगों को भारी पड़ गया। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इटली की एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन 6 लोग खड़े नहीं हुए। राष्ट्रगान के अपमान के आरोपियों ने अपनी सीट से उठने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद पुलिस के जवानों के कहने के बावजूद आरोपी अपनी सीट से नहीं उठे। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों की बात मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर म्यूजियम पुलिस थाने ले गई। केरल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजक ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 नवंबर के आदेश से छूट देने की मांग की थी। आयोजकों का तर्क था कि इससे उसके 1500 विदेशी मेहमानों को असुविधा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर राहत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।